हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वातीज रसोई। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मीठा पोंगल। यह दक्षिण भारत की पारंपरिक रेसिपी है। दक्षिण भारत में इसे अनेक त्योहारों पर बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है और इसे प्रसाद के रूप में खाया जाता है। आज मैं इसे कुकर में बनाने वाली हूँ, जो बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है। रेसिपी देखने के लिए पूरी वीडियो को देखिए। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और रिलेटिव में से शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस कीजिए, उसके बाद बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप बासमती चावल। यहाँ मैंने छोटे साइज वाला बासमती चावल लिया है। अगर आपके पास ऐसा चावल ना हो तो आप बासमती का टुकड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप मूंग दाल, 3/4 कप गुड़, 8 से 10 काजू जिसे मैंने बीच से 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच घी और 2 कप दूध। सबसे पहले हम चावल और दाल को एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे धो लेंगे। दाल चावल को 2 पानी से अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि दाल चावल अच्छे से सोख हो जाए। एक कुकर लेंगे, घी डालेंगे, घी गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे काजू और इसे फ्राई कर लेंगे। काजू फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। जो चावल हमने सोक किया था उसका पानी निकाल लेंगे। पानी निकाल लिया है, अब इसे कुकर में डालेंगे। और इसे 2 मिनट भूनेंगे। दाल चावल अच्छे से भुन गया है, यह देखिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप दूध। दाल चावल को अच्छे से मिला लेंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। हाई फ्लेम पर इसे 4 से 5 सीटी आने तक पकाएंगे। पांच सीटी आ गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एक बर्तन में 1 कप पानी डालेंगे और गुड़, गुड़ के पिघलने तक इसे पकाना है। गुड़ पिघल गया है, कुकर ठंडा हो गया है। देखिए दाल चावल कितने अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे गुड़ की चाशनी। हम चाशनी को छान लेंगे, जिससे गुड़ में अगर कोई गंदगी या कचरा हो तो वो निकल जाए। अब इसे मिलाकर 2 मिनट और पकाएंगे। स्वीट पोंगल तैयार है। अब हम इसमें मिलाएंगे इलायची पाउडर, इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए काजू, इसे भी मिला लेंगे और गैस बंद कर देंगे। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। मीठा पोंगल तैयार है। यह बहुत टेस्टी होता है, आप इसे बनाइए। आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी, अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।